राम नाम की लूटे और लूटो जैसे लूट अंत काल पछताओगे कहां जाएंगे चूप। जो लूटने वाले लोग हैं उनकी वैल्यू है, उनकी कदर है। यहाँ बच्चों को तो आपने कई बार किसी चीज के लिए रोते और बिलखते हुए देखा होगा। अब हम आपको उन नेताओं का रोना दिखाते हैं जो टिकट न मिलने पर दहाड़े मारते हुए रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। कोई गाड़ी में बैठकर फफकियां ले रहा है तो कोई कार्यालय के बाहर कैमरे के सामने अपने आंसू बहाता दिखाई दे रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार नेता टिकट ना मिलने के कारण फूट फूट कर रो रहे हैं और उन नेताओं को जमकर कोस रहे हैं जिन्होंने इनकी टिकट काट दी है। इन मोहतरमा से मिलिए, ये हैं आज कांग्रेस पार्टी ने इनका टिकट क्या काटा। यह मोहतरमा मीडिया के कैमरे को देख जोर जोर से रोने लग गई। मेरा दिल बहुत रो रहा है कि नाइंसाफी क्यों हुई है। हम तो अपना काम अच्छे से करते रहे, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते रहे, इन लोगों ने जो ऐसा हमारे साथ क्यों किया है ये तो धीरज गुज्जर जी जवाब देंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी जवाब देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका दीदी, आपने तो अपना परिवार भी बनाया, मैंने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रखी, मैंने अपना परिवार तक भी नहीं बनाया और मैं कांग्रेस के लिए काम करती रही। मैंने दिन रात मेहनत की, जो ऊपर से आदेश आते रहे मैं वो आदेश का पालन भी करती रही। वो जब कोरोना काल था तो कहा कि सामग्री वितरण करो, मैंने तो 2.5 लाख की सामग्री वितरण करी, मैंने पक्का खाना वितरण करा। अगर कांग्रेस को मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करती थी क्या कांग्रेस जीतती नहीं, लेकिन ये लोग मेहनती लोगों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते जो ऊपर जो ये लोग हैंगे। और अपनी दिल की दास्तां को रोते हुए सुनाया। यह आंसू का सिलसिला यही नहीं रुका, अब जरा बीजेपी से टिकट कटने पर दिगंबर सिंह का भी दिल अपनी आंखों में भरे आंसुओं को नहीं रोक पाया और एकाएक आंसू उनकी आंखों से झलक पड़े। टिकट ना मिलने के कारण दिल टूटा और पार्टी के लोगों पर गुस्सा एक तरफ से फूटा। पत्रकारों से बात करते हुए यह विधायक प्रत्याशी अपनी दिली दास्तां को गुस्से में उजागर कर रहे थे। दिगंबर सिंह धाकरे, विधानसभा खेरागढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ, विधानसभा खेरागढ़ का ही रहने वाला हूँ। देखिए, पहला मुद्दा तो यह है कि भाजपा बात करती है संस्कारों की और विचारों की, विचार परिवार की बात करती है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप विचार परिवार की बात करिए, संस्कारों की बात करिए, लेकिन जो आपके जिन विधायकों ने दूसरी पार्टी के विधायकों को हराया, उन प्रत्याशियों को हराया पिछली 5 साल पहले, उसी प्रत्याशी को आपने वहाँ टिकट दे दिया, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भावनाओं पर कुठाराघात नहीं है? पत्रकारों से बात करते हुए अपनी दिली दास्तां को गुस्से में उजागर कर रहे थे। चश्मा उतार कर आंसुओं को पोंछते तो कभी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए फपक फपक लेते और जवाब देते। बिजनौर के रहने वाले हाजी जावेद राइन बालपुर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। इनको पूरा भरोसा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि इनका टिकट कट गया है तो इन जनाब के भी आंसू नहीं रुके और गाड़ी में बैठकर यह जनाब अपने साथ हुए उस फरेब को याद करके अपनी दिल की दास्तां को तो शेयर नहीं कर सके, लेकिन उनके यह आंसू बता रहे हैं कि इनको टिकट ना मिलने का दर्द कितना है।
अब आगे बात करते हैं मथुरा से पूर्व भाजपा नेता एस के शर्मा, जो माट विधानसभा से भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन टिकट ना मिलने पर वह भी अपने आंसुओं को रोक ना सके और पत्रकार वार्ता में फपक फपक कर रोने लगे। राम नाम की लूटे और लूटो जैसे लूट, अंतकाल पछताओगे कहां जाएंगे झूठ। जो लूटने वाले लोग हैं उनकी वैल्यू है, उनकी कदर है यहाँ। टिकट कटने से पूर्व भाजपा नेता एस के शर्मा इतने दुखी हुए कि वो माट विधानसभा छोड़कर मथुरा विधानसभा से हाथी पर सवार होकर चुनाव मैदान में कूद पड़े। जनता के समर्थक हैं वो मैं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, ये पार्टी वो पार्टी नहीं रही, जो विचारधारा वाली पार्टी वो नहीं रही। या कोई विचारधाराओं की या कोई भी जो पूरा निष्ठा से काम करने वाले की, ईमानदारी काम करने वाली, पूरी समर्पित भाव से काम करने वाली पार्टी रही। इसमें तो ये है कि राम नाम की लूटे और लूटो जैसे लूट, अंतकाल पछताओगे कहां जाएंगे। राम नाम की लूटे और लूटो जैसे लूट, अंतकाल पछताओगे कहां जाएंगे झूठ। जो लूटने वाले लोग हैं उनकी वैल्यू है, उनकी कदर है यहाँ।